हेलो गाइस, क्या कहते हैं, आजकल मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपके टोटली आपके फायदे की बात करने वाले हैं। इसके वीडियो में हम आपको पैसा ही पैसा होगा भाई, पूरा फायदा होगा भाई। इस वीडियो आप ये वीडियो आपने पूरा देखा तो भाई, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर गाइस। तो गाइस, आपको अगर आपको बेस लगाना होगा तो आप इधर जाकर हर बेस एक एक आपको खुद हाथ से एडिट करते हो, आपका कीमती वक्त इधर लगाते हो। अगर वो भी कर कीमती वक्त लगाया, आपका कीमती नेट लगाया, तभी भी आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो भाई क्या फायदा, पैसा बर्बाद आपको। भाई मैं आज उस पर भाई एकदम जालिम उपाय बताने वाला हूँ भाई। वो उपाय भाई एकदम कतई जहर है भाई, कतई जहर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ओपी ऐप बताने वाला हूँ, उसमें आप सीओसी के रिलेटेड हर काम कर सकते हो भाई। एकदम जहर जहर ऐप है, जहर जहर ऐप है भाई। तो उस ऐप की मदद से आप सीओसी के बेस कॉपी कर ही सकते हो, वो तो मैन है। उसके बाद आप सीओसी के हर लेवल के ट्रूप्स का इमेज दे सकते हो, वो अपडेट करने के बाद वो कैसा दिखता है, उसका हिट पॉइंट कैसा बढ़ता है, उसके डैमेज कितना बढ़ता है, वो सब उधर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप जो ये सब मैजिक आइटम है वो भी आप उसकी भी आप इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद भाई इधर ये बिल्डर बेस है, उसका भी आप सब मैप्स वगैरह सब उधर चेक कर सकते हो। ये जब बिल्डिंग्स जो अपडेट करने के बाद कैसा दिखता है वो भी आप उधर से देख सकते हो। कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है भाई। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो गाइज, आप जब आपके फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करोगे तो आपको सर्च करना है मैप्स ऑफ सीओसी, ऐसा सर्च करना है मैप्स ऑफ सीओसी। तो इधर देखो भाई, ये वाला ऐप जो मैं आप मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला ऐप ये आपको इंस्टॉल या डाउनलोड कर लेना है भाई आपके फ़ोन में। इसको भाई 4 स्टार की रेटिंग है भाई, और इसका डाउनलोड भाई ये एकदम भाई एकदम 8 MB का ऐप है भाई। 8 MB कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं 8 MB, इतने कम MB, इतनी कम स्पेस लेता है। और ये ऐप जो न्यू यूजर्स है, न्यू प्लेयर्स है, उनके लिए ही ये ऐप बना है। तो मैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ भाई ये ऐप कैसा है और इसका इंटरफेस कैसा है, ये काम कैसे करता है। तो गाइस, यहाँ पर अपना ये ऐप आ चुका है, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए ऐप आपके सामने ऐप ओपन कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको भाई एकदम जहरीले 5 ऑप्शन है। इधर आपको पहला ऑप्शन है होम विलेज मैप, दूसरा ऑप्शन है बिल्डर बेस मैप, तीसरा ऑप्शन है क्लैश वॉलपेपर, मतलब आप वॉलपेपर ले सकते हो। देन उसके बाद है फनी मैप्स, उसके बाद फेवरेट्स। और ये होम पहले में आपको मिलेगा होम विलेज ऐप, मतलब जो मैंने आप दिखाया ना वो ऐप, वो मैप सब इधर आपको दिखाएंगे। उसके बाद बिल्डर बेस, मतलब वो जो नाइट का रहता है उसके सब बेस के मैप इधर आपको दिखाएंगे। उसके बाद वॉलपेपर भाई, आपके फ़ोन के जो वॉलपेपर्स हैं ना उधर इधर सबके वो वॉलपेपर इधर आपको आएंगे। उसके बाद ये फ़नी मैप्स, मतलब आपको अगर मस्ती करनी है आपके दोस्तों के साथ तो इधर आपको फ़नी मैप्स भी मिलेंगे। और फेवरेट है, फेवरेट मतलब जब आप ये ऐप सब चेक करोगे तो आपको कौन सा ऐप पसंद आया, तो इधर देखो हार्ट का है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। देखो इधर ऐड हो गया, ये ऐसे फेवरेट में ऐड होता है। तो आपको चलिए एक एक कर मैं एक एक फीचर समझा देता हूँ। तो गाइज मैं आपको इन 5ों में से पहला आपको समझा देता हूँ, पहला फीचर क्या है। तो ये है होम विलेज मैप्स, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा, आपको कौन सा टाउन हॉल की मैप्स, मतलब कौन सा टाउन हॉल्स के लेआउट चाहिए। तो आप अगर आपका टाउन हॉल 4 है तो आपको 4 पर क्लिक करना है, अगर आपका टाउन हॉल 5 है तो 5 पर क्लिक करना है, अगर आपका टाउन हॉल 6 है तो 6 पर क्लिक करना है। ऐसे आप कौन सा टाउन हॉल है वो उस पर क्लिक कर आप बेस लेआउट ले सकते हो। तो मेरा टाउन हॉल 11 है, 11 11 है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो वो उस पर क्लिक करने के बाद इधर मेरे पास भाई बहुत सारे मैप्स आ गए, देखो क्या ही जहर जहर मैप है भाई। तो इस पर भाई मैं आपको दिखाने के लिए भाई मैं एक मैप मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। तो समझो मेरे को अगर ये दूसरा नंबर वाला ये वाला मैप चाहिए तो मेरे को सिंपल इस पर क्लिक करना है भाई, सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप जाओगे तो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी बेस, देख सकते हो भैया यहाँ पर है सिंपली कॉपी बेस लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका गेम अपने आप ओपन हो जाएगा भाई, ये ऐप ही आपका गेम ओपन करता है। उसके बाद आपको जिधर चाहिए, मुझे वॉर में ये वाला बेस मुझे वॉर में चाहिए, तो मैं वॉर में जाकर जिधर चाहिए उधर क्लिक कर मैं
मैं वो बेस कॉपी कर सकता हूँ। आप भाई आप भी ऐसे ही कर कोई चंद सेकंड में भाई, चंद सेकंड में आप भी ऐसे ले सकते हो भाई, और दो दो सेकंड में भाई एक एक बेस चेंज कर सकते हो। तो चलिए आपको इस ऐप का दूसरा फीचर बताता हूँ। तो इधर है आपको बिल्डर बेस मैप। क्या है बिल्डर बेस मैप? तो इस पर मैं दूसरे नंबर पर वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इधर आपको भाई बिल्डर हॉल कितना है वो आपको पूछेगा। तो मेरा बिल्डर हॉल है 6, ये 6 वाला है मेरा। तो मैंने 6 पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर मेरे को कौन सा अच्छा लगता है, रुको मैं देखता हूँ एक बार कौन सा अच्छा है। हाँ चलो एग्जाम्पल के लिए भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे अगर ये वाला पसंद आया तो मैंने उस पर क्लिक किया। उसके बाद आप अगर नीचे जाओगे, इधर आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है कॉपी बेस, तो आपको कॉपी बेस पर क्लिक करना। सिंपल क्लिक करने के बाद आप ये ऐप आपका अगेन COC ओपन करेगा, और उसके बाद आपको रुको ये ऐप COC ओपन होने तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका गेम ओपन करने के बाद आपको पूछेगा कि कहाँ ये बेस लगाओ। तो आप मेरे को अगर इस तीसरे पे चाहिए, तो मैंने तीसरे पर क्लिक किया, तो मैं यहाँ पर भाई मैं लगा सकता हूँ मेरे को जो जो वाला चाहिए। तो ऐसे भी आप ऐसे ही कर आप दो दो सेकंड में बेस चेंज कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है क्लैश वॉलपेपर्स। तो वॉलपेपर्स क्लैश वॉलपेपर्स इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर भाई ओपी तरीके से वॉलपेपर आपको दिखा देंगे। वे भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, आप डाउनलोड यहाँ से वॉलपेपर भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है भाई फनी मैप्स। ये भी भाई कौन अलग नहीं होता, ये भी मैप्स ही होते हैं, पर इसको आपको इधर ऊपर सिलेक्ट टाइप है ना, इधर ऊपर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इधर से आपको जो कौन सा टाउन हॉल है, तो मेरा अगर मेरा 11 है तो मेरे को TH11 पर क्लिक करना है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर से कौन सा चाहिए, अगर मेरे को ये चाहिए, आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, मेरे को अगर ये चाहिए तो मेरे को सिंपल इस क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कॉपी बेस, नीचे जाओगे तो यहाँ पर कॉपी बेस लिखा हुआ आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉपी बेस लिखा हुआ है। उस पर अगर क्लिक करोगे तो ये आपका COC ओपन करेगा। तो COC ओपन होने दो, फिर आपको मैं बता देता हूँ। तो हमारी COC ओपन हो गई है, अपने आप आपको लेआउट एडिटर में ले जाएगा। उस पर मेरे को अगर वो और मैं इधर लगाना है ये बेस, इधर दूसरे वाले पे लगाना है, तो मैं उधर उस पर क्लिक कर भाई मैं यहाँ पर वो बेस लगा सकता हूँ भाई। देखा आपने, तो मैंने कितने कम देर में बेस भी ले लिया। तो अभी इतना ही नहीं भाई, इसमें बहुत सारे अभी फीचर्स है भाई। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर मैप्स, यूनिट, रैंक, ये क्या लिखा है मुझे पढ़ने को नहीं आ रहा। उसके बाद गाइड है, गाइड, उसके बाद फेवरेट है। फेवरेट में भी कुछ नहीं होगा, आप इधर कौन सा फेवरेट में, मतलब इधर हार्ट करके रखोगे तो ये फेवरेट में चला जाएगा। उसके बाद गाइड है, गाइड में भाई आप कौन सा भी गाइड आपको, मतलब स्ट्रैटर्जीज वीडियो चाहिए तो आप इधर से आप देखकर स्ट्रैटर्जी सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये रैंक है, ये फर्स्ट तीन, ये मैप्स, यूनिट एंड रैंक, ये आपको भाई बहुत 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 फ़ायदा करेंगे भाई। तो इधर आपको ये पहला ऑप्शन, इसमें तीन ऑप्शन है। पहला वाला टॉप प्लेयर्स, उसमें भाई आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइज चेक कर सकते हो कि कौन से प्लेयर टॉप कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है टॉप क्लैंस, तो आप वर्ल्ड वाइज टॉप क्लैन चेक कर सकते हो कि एक नंबर वन कौन सा क्लैन है, उसने कितने ट्रॉफी स्कोर किए, रैंक कौन सा है उसका, वो ये यहाँ सब आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है भाई यूनिट्स। यूनिट्स में जाओगे तो भाई यहाँ पर सारे ट्रूप्स, आपको होम विलेज यूनिट, देन आपको बिल्डर बेस यूनिट, ट्रूप्स, मैजिक यूनिट, आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद इधर आप क्लिक करोगे होम विलेज यूनिट, उसके बाद आपको इधर ट्रूप्स, देन डिफेंसेस मिल जाएंगे, उसके बाद हीरोज़ मिल जाएंगे, उसके बाद ये सब भाई इस सब की आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको ट्रूप्स की इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, आपको एग्जांपल कैसे मिलते। अगर मेरे को देखना है भाई पेक्का कैसे दिखता है, तो मैंने पेक्का के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर नीचे ओपन हो जाएगा इसका, ये टारगेट कितनी लेता है, इसकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, हिट पॉइंट्स कितने इतने, ये मारता कितने स्पीड से, ये सब इधर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो इधर लेवल 1 लिखा है, वो इधर राइट एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो लेवल बढ़ता जाएगा, और ये लेवल बढ़ाने के बाद कैसा दिखता है वो भी इधर नीचे दिखा दे, देखो चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना, ये चेंज हो रहा है। ऐसे आप कैसा दिखता है, इसके पॉइंट्स कितने चेंज होते हैं, इसका हिट पॉइंट कितना बढ़ता है, वो सब इधर आपको दिखा देंगे। उसके बाद आप ऐसे सारे ट्रूप्स की देख सकते हो। उसके बाद आप ये हो गया, उसके बाद आप ये टेम्पररी यूनिट, भाई आप टेम्प्रेरी मतलब जो इवेंट के दौरान जो
ट्रूप्स आते हैं, वो जो स्पेल्स आते हैं, जो ट्रैप्स आते हैं वो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हॉलोइन के दौरान ये पम्पकिन बारबेरियन आया था हमारे गेम में, तो ये इसका क्या क्या था, ये गुड था मतलब ये अच्छा था या बुरा था ये सब, और ये स्पेल्स आए थे, स्पेल्स कैसे थे, ट्रैप्स आए थे मतलब जो स्प्रिंग बॉम्ब वगैरह होते हैं ऐसा, ये भी ट्रैप आया था तो वो कैसा था, वो सब यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो गाइज उसके बाद है यहाँ पर चौथा मैजिक यूनिट्स, आप उस पर अगर क्लिक करोगे तो उधर इधर आपको एक और एक इंटरफेस आएगा। तो मैं भाई इस पर एक खास मैजिक यूनिट्स के इस मैजिक यूनिट पे खास एक वीडियो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनाने वाला हूँ, तो आपको उस पर एक खास वीडियो चाहिए, मतलब सब इन्फॉर्मेशन कि ये बुक ऑफ हीरोज कैसा काम करता है, पोशन में ये बिल्डर पोशन क्या काम करता है, रून में ये सब रून रिंग्स ये सब कैसा काम करता है, वो सब उस पर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हो। तो इस वीडियो पर सिर्फ 50 लाइक कर दो भाई, बहुत नहीं सिर्फ 50-50 लाइक कर दो, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलो। तो वो 50 लाइक होने के बाद मैं आपके लिए इस मैजिक यूनिट के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो उसके भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। मैं भी आपको बताने वाला हूँ, इससे भी बढ़कर आपको समझ आए ऐसा सब आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में। तो उस वीडियो के लिए 50 लाइक कर दो, एक लाइक ठोक दो भाई। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भाई सब समझा दिया भाई क्या क्या होता है। तो आप ऐसे ही कर भाई कौन सा भी बेस कॉपी कर सकते हो, कौन से भी टाउन हॉल का बेस आप कॉपी कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो भाई, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिव करता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी, बाय बाय।